मेरी मशीन लेके जी, और जो है डेली के 4-4, 5-5 हजार रुपए कमा रहे हैं, इम्पोर्ट किए जापान से। होंडा की टक्कर में ये पावर टिलर है भाई साहब, मैं चढ़ के टेस्ट करा दूं आपको। लो कैसे भी आप टेस्ट करो, 1 लीटर पेट्रोल में 1 से 1.5 बीघा में आप जो है खरपतवार निकाल दोगे और मिट्टी चढ़ा दोगे साथ के साथ। किसान भाइयों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। किसान भाइयों आज मैं आ चुका हूँ किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री जो राजस्थान के अंदर पड़ती है। और किसान भाइयों हमारे आने वाला सीजन जो गन्ने का है और कई मक्का में जो खरपतवार हो जाते हैं उसके लिए भी, और जो सब्जी की फसलें जैसे मिर्च हो गया और गोभी की फसल हो गई उसमें भी खरपतवार खत्म करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया पावर टिलर लेकर आएँ। और जो हमारे किसान भाई मजदूर नहीं मिल पाते जो उसमें जो खरपतवार खत्म करने के लिए, तो उसके लिए आपको बहुत ही सस्ते दामों में पावर टिलर मिलने वाला। और सिर्फ आपको 100 रुपये का जो पेट्रोल लगता है उसमें आपको जो है लगभग 1.5 से 2 बीघे की आपकी जो है जुताई होने वाली है, और आपका लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये आपका जो मजदूरों का पैसा बचने वाला है। साथ में कंपनी के ओनर हमारे साथ में है जो पुष्पेंद्र भाई है। नमस्कार जी पुष्पेंद्र भाई। नमस्कार जी दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप इतनी दूर चल के आए, और सभी मेरे किसान साथियों को नमस्कार, राम राम जी। तो पहले आप अपनी कंपनी अपने हमारे किसान में थोड़ा परिचय बता दीजिए। मेरे किसान भाइयों में किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री से पुष्पेंद्र, और हमारी कंपनी है नदवई भरतपुर राजस्थान के अंदर हमारी कंपनी स्थित है मेरे किसान। तो पुष्पेंद्र जी जैसे मैंने अभी बात करा गन्ना और मेहनते के बारे में जो घास खरपतवार हो जाती है जो बागवानी की फसल हो, तो मैंने भाइयों से अभी वीडियो में 100 रुपये के पेट्रोल में जो है लगभग 1.5 से 2 बीघे खरपतवार खत्म होने वाली है। बिल्कुल, जो हमारे मजदूर होते हैं वो लगभग 1 बीघे में 4 से 5 मजदूर लग जाते हैं, जो उनकी जो वो लेते हैं वो 400 से 500 रुपये लेते हैं जी। तो आपने मैंने सुना है कि आपका जो पावर टिलर है वो 100 रुपये के पेट्रोल में 1.5 से 2 बीघे जुताई कर देता है। बिल्कुल सर, तो बात वो सही है। बिल्कुल सर, तो ये आपका पावर टिलर देख पा रहे हैं, इस पावर टिलर वही काम करेगा ये जी जी। तो इस पावर टिलर के बारे में हमारे किसानों को जानकारी दीजिए आप। मेरे किसान साथियों आपके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो आज आपको मैं जो है दिनेश जी ने बताया कि गन्ना की खेती हुई, कपास की खेती हुई, सब्जी की खेती हुई, बागवानी हुई, जैसे शिमला मिर्च की खेती हुई, गोभी की खेती हुई, टमाटर की खेती हुई, उस जो है जगह में हमें खरपतवार निकालनी होती है। तो आम समस्या हमारे किसान भाइयों की बनी हुई है, एक तो किसी के पास समय नहीं है जी, और समय भी है तो समय से जो है किसान भाई को लेबर नहीं मिल पाती है। अब लेबर नहीं मिल पाती है तो वो खरपतवार ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको निकालने में यदि टाइम्स के बाद में जब मिले कोई काम हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक हमारी जो फसल होती है उसको वो अपने अंडर में ले लेती है। अब अंडर में अपने में ले लेती है तो पौधों की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देती है। तो उस कड़ी में मेरे किसान भाइयों की समस्या ये आती है कि लेबर मिल भी जाए तो लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा, 400 से 500 रुपये, 1 बीघा में 4-5 मजदूर लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे किसान भाई का जो है नुकसान हो रहा है। 2-3 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद भी मेरे किसान भाई का नुकसान हो रहा है। उसके बाद कुछ ऐसी फसलें होती हैं जैसे गन्ना हुआ आपका, कपास हुआ, उसमें मिट्टी चढ़ानी होती है, शिमला मिर्च हुई, गोभी हुई, उसमें मिट्टी चढ़ानी होती है। तो मिट्टी चढ़ाने खरपतवार के लिए अलग मजदूर लगाने पड़ेंगे और मिट्टी चढ़ाने के लिए अलग मजदूर लगाने पड़ते हैं जी। तो मेरे किसान साथियों जो दिनेश जी बता रहे हैं, आज उन पावर टिलरों के माध्यम से मात्र और मात्र मैं गारंटी देता हूं, 1 बीघा में आप जो है आसानी से 1 लीटर पेट्रोल में 1 से 1.5 बीघा में आप जो है खरपतवार निकाल दोगे और मिट्टी चढ़ा दोगे साथ के साथ। मतलब पहले खरपतवार जुताई करेगा आगे, बिल्कुल, और पीछे से मिट्टी भी चढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक साथ दोनों काम कर देगा, और जो किसान भाई एक साथ दोनों नहीं करना चाहता तो सिंगल सिंगल करके कर सकता है, सिंगल सिंगल करके कर सकता है। और जो हमारे किसान भाई को जो मजदूर नहीं मिल पाते उनका भी झंझट खत्म। बिल्कुल, 100 रुपये में 1 से 1.5 बीघे जो उनकी बिल्कुल मिट्टी चढ़ने वाली है और रूटर द्वारा उनकी जो है फसल जोतने वाली है जी जी। तो हमारे किसान भाई जो है मतलब 100 रुपये में जो अपने खेत को जोत सकता है, और जो लगभग जो हमारे किसान भाई जो है जो मजदूर होते हैं वो लगभग 400-500 रुपये लेते हैं, हम 400 रुपये मान लेते हैं लगभग। सर लगभग लगभग मेरा किसान भाई 2 से 2.5 हज़ार बचाने वाला है जी। और साथ के साथ जो खर्चा मैं आपको बता दूं कि कोई भी फसल हो उसमें कम से कम 3 बार खरपतवार को निकालना होता है। अब 3 बार में 6-7 हज़ार रुपये मेरे किसान भाई का खर्च हो रहा है, और मेरा किसान भाई इन मशीनों के माध्यम से, इन पावर टिलरों के माध्यम से मात्र और मात्र जो है 300-400 रुपये के खर्चे में काम कर रहा है। तो मेरे किसान भाई को कितना पैसा बचा आप ही सोचिए, जो 7-8 हज़ार में काम हो रहा है वो मात्र 500 रुपये में काम हो रहा है मेरे किसान भाई का। तो किसान भाई को प्रॉफिट है या लॉस है? पूरा प्रॉफिट है हमारे किसान में लगभग, दिन के अगर और अपना भी काम करना चाहे औरों का भी काम कर सकता है इसमें जी। जैसा हमारे किसान भाई जो है
जो मजदूरों को चार्ज देते हैं वो ही चार्ज आप लेकर सर अपने खेत का मेरे किसान भाई बहुत सारे ऐसे हैं मेरी मशीन लेके जी और जो है डेली के चार चार पाँच पाँच हजार रुपए कमा रहे हैं और अदर किसान भाइयों का काम करके जी। तो कोई भी मेरा किसान भाई ऐसा नहीं है कि मशीन उनकी उनकी काम करेगी। किसी भी किसान भाई को किसी के जो है जुताई गुड़ाई जो भी करनी है आप कर सकते हो मेरे किसान भाइयों। ये बहुत ही पावरफुल मशीन है, मैं आपको इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। मेरे किसान भाइयों की डिमांड थी कि सर ऐसी मशीन लेके आइए जो आगे मिट्टी फेंके और खरपतवार को भी निकाले और साथ के साथ मिट्टी भी चढ़ाती जाए। तो मेरे किसान भाइयों के लिए हमने स्पेशली ये इम्पोर्ट किया जापान से, क्योंकि जापान की लोगों ने वीडियोज देखी तो हमारे किसान भाइयों की डिमांड आई, तो उस डिमांड को देखते हुए हमने हमारे किसान भाइयों के लिए जो हमारी ये मशीन है ये पावर टिलर है छोटू वीडर जिसे 7.5 HP में हमने लॉन्च किया हुआ है आपके चैनल के माध्यम से। इसमें 7.5 HP का एयर कूल्ड और वाटर प्रूफ इंजन दिया हुआ है मेरे किसान भाइयों जी। तो इसका जो इंजन है वो 7.5 HP का वाटर प्रूफ जी बिल्कुल सर। और आप क्वालिटी देखिए, ये जो आपको रोटावेटर आगे लग रहा है इसकी आप चद्दर की क्वालिटी देखिए, काफी तगड़ी चद्दर लग रही है। और मैंने देखा कि आज तक मैंने ऐसा पावर टिलर नहीं देखा, सबसे अलग आप यदि घूसा मार के या हथौड़ा मार के धोखा दो तो मेरी गारंटी है मैं पावर टिलर फ्री छोड़ दूंगा। हमारा किसान भाई इसके ऊपर बैठ कर टेस्ट कर सकता है? अरे भाई साहब मैं चढ़ के टेस्ट करा दूं आपको, लो कैसे भी आप टेस्ट करो। आप ये पूरा रोटावेटर की चद्दर इसमें यूज की गई है भाई साहब। किसान भाई कहीं से भी अभी पिचका नहीं है, हमारे पुष्पेंद्र जी अभी खड़े हुए थे इस पे और कहीं से भी जो पिचका नहीं है आपके सामने। और देख सकते हैं इसमें कितने हैवी इसमें जो है ब्लेड लगा हुए हैं, हाई कार्बन क्वालिटी के इसमें ब्लेड लगे हुए हैं काफी। और ये देख रहे हैं कि ये किस लिए काम करेगा ये सर इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हम लोग। जो मिट्टी चढ़ाना हमारे किसान भाई जो इसमें मिट्टी चढ़ाना होता है उससे मिट्टी चढ़ा सकता है जी, पीछे पीछे मिट्टी चढ़ाता हुआ जाएगा सर। जो कपास की खेती है उसमें मिट्टी चढ़ा सकता है बिल्कुल 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 जी। और जो गोभी होती है गोभी मिट्टी चढ़ानी होती है वो भी चढ़ा सकता है हमारे किसान भाई जी जी जी। मेरे किसान भाई वीडियो देख रहे हैं जी, साथ के साथ हम मिट्टी भी चढ़ा रहे हैं और साथ के साथ खरपतवार को भी निकाल रहे हैं। शिमला मिर्च की खेती है उसमें आप मेरे किसान भाई देख पा रहे हैं जी। अगर हमारे किसान भाई का अगर खेत रहता कुछ भी बोवा नहीं उसमें चला सकता हमारे किसान भाई? बिल्कुल चला सकता है, जैसे मान के चलो बड़े बड़े ढेले हो गए जी, धूल जरूर उड़ाएगा लेकिन मेरे किसान भाई के ढेलों को बिल्कुल खत्म कर देगा जी। हमारे किसान भाई अपना पट्टी खेत में भी अपना जुताई कर सकता है जैसे रूटर जुताई करवाता है बिल्कुल सर बिल्कुल। और साथ में ये भी मिलने वाला हमारे किसान भाई को? नहीं सर, इसमें देखिए एक ही अटैचमेंट लगता है, ये आपका यार जो है रिज्जर लगेगा ओनली, बाकी इसमें अटैचमेंट नहीं लगेगा सर। तो इसकी क्या गारंटी वारंटी है? एक साल की गारंटी रहती है सर जी, एक साल की गारंटी रहती है जी। ये रिकॉइल स्टार्ट रहेगा जी, ये रस्सी से स्टार्ट कीजिए और एक घंटे में मात्र मात्र जो है 1.5 बीघा की कम से कम गुड़ाई कर देगा और 100 रुपए का पेट्रोल लेगा, 1 लीटर के समथिंग पेट्रोल लेगा जी। और सर इसमें एक फीचर हमने एडवांस टेक्नोलॉजी दी हुई है जी, ये वैसे रेस ड्राइव है, रेस से हमारा कंट्रोल होगा पूरा जी जी। और इसमें हमने एक एडवांस ये फीचर दिया हुआ है, हैंडल एडजस्टेबल का, ये क्लच के माध्यम से देखिए क्लच दी हुई है इसके माध्यम से। अदर कंपनियों के जो पावर टिलर होते हैं उनमें हैंडल को कसना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है, लेकिन हमने ये एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें जापानी पावर टिलर में दी हुई है सर। जो हमारी माता बहन है वो भी चला सकते हैं अपने हाइट के अनुसार? बिल्कुल कोई भी चला सकता है, ये बिल्कुल 0 वाइब्रेट जो है मशीन है ये जी। जो हमारे किसान भाई की हाइट छोटी बड़ी होती है वो भी चला सकता है अगर जो आप कितना नीचा करना चाहोगे। देखिए आप बच्चा तो भी इसको आराम से इसी तरीके से चला सकता है, मेरे यहाँ तक आ रहा है तो इसको बच्चा भी चला सकता है जी। और यदि किसी की हाइट बड़ी है तो मेरा किसान भाई यहाँ से यहाँ इतने ऊंचाई तक, अब देखिए आप कितना ऊंचा हो गया, काफी ऊंचा हो गया, कितना बड़ा हो कितना भी छोटा हो सब इसको चला सकते हैं जी जी। तो हम आपका अगला मॉडल देख पा रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दी, ये जो इससे अलग है सर? ये हमारा बहुत ही डिमांडेबल पीस है जी मेरे किसान भाइयों के लिए, ये 5.5 HP का 4 स्ट्रोक मॉडल है। हमारे किसान भाइयों की डिमांड थी कि सर ऐसा ला के दीजिए थोड़ा 2 फीट का रोटावेटर लेके चले और 13 इंच में भी चले, जैसे प्रॉपर क्या होता है खेती करते हैं शिमला मिर्च की करते हैं, गोभी की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, तो कोई 13 इंच पे लगाता है, कोई 1.5 फीट पे लगाता है, कोई 2 फीट पे लगाता है, कोई 2.5 फीट पे लगाता है। तो हमारे किसान भाइयों की डिमांड के अनुसार हमने इसमें 2 रोटावेटर का ऑप्शन दिया हुआ है। मेरे किसान भाई जो है इसको कम से कम 13 इंच में भी चला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे किसान भाई 2 फीट में इसको चला सकते हैं। आप देखिए ये रोटावेटर इसमें दिया हुआ है,
पूरा एडजस्टेबल रोटावेटर है, इसको आप 13 इंच में चला सकते हो। और एक इसके साथ का एक और रोटावेटर आता है, वो भी इसके साथ में फ्री मिलता है मेरे किसान भाइयों को। उससे आप धान में कीचड़ भी कर सकते हो, साथ के साथ पडलर का काम करता है, और साथ के साथ जो है मेरे किसान भाई को आगे मिट्टी फेंकनी है तो उससे खरपतवार निकालनी और आगे मिट्टी फेंकनी है तो वो भी मेरा किसान भाई इससे काम कर सकता है। जैसे आने मतलब कुछ समय बाद धान का सीजन आता है जी, हमारा किसान भाई जो इससे धान में कद्दू भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल जी, तो वो भी आपको यंत्र हमारे किसान भाई दे सकते हैं अगर कोई खरीदना चाहे तो अलग से। ये सर देखिए, किसान भाई अलग से लेना चाहे तो अलग से भी मिल जाते हैं जी, सब कुछ इम्प्लीमेंट हमारे पास अलग से मिल जाएंगे। और ये मेरे किसान भाइयों 4 स्ट्रोक ये होंडा की टक्कर में ये पावर टिलर है, मेरे किसान भाई इतना इससे लेकर खुश हैं कि 10-10, 12-12 घंटे 15-15 घंटे जो है लगातार इससे काम कर रहे हैं। तो कितने HP में आता है ये सर? 5.5 HP का है और ये 4 स्ट्रोक है। इतनी साइलेंट आवाज है इसकी सर, आप देखोगे तो ये कहोगे कि पुष्पेंद्र भैया ये क्या हो रहा है, इतनी साइलेंट आवाज है पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा कि काम करके चला गया खेत में। तो इसकी जो रोटरी है वो एडजस्टेबल है जी? एडजस्टेबल है, 2 फीट में चलाओ, 1.5 फीट में चलाओ, 13 इंच में चलाओ जी। हमारा किसान भाई जो है इससे अपना भी काम कर सकता है और अपना रोजगार भी कर सकता है। सर मैं क्या कह रहा हूँ, इसको कंटिन्यू 12 घंटे आप चलाओ, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, चाहे पैसा आप कमाओ, कुछ भी करो, जैसा आपको करना है जी। तो इसका भी हैंडल जो है एडजस्टेबल है? बिल्कुल सर एडजस्टेबल है, यहाँ से मेरे किसान भाई इसको खोलिए जी और ये निकाल के इसको जो आप ऊपर नीचे कर सकते हो हाइट के अकॉर्डिंग जी। और जो आपने एयर फिल्टर लगा रखा है इसका क्या खासियत है, इतना ऊपर लगा रखा आपने ये? सर देखिए, इसमें हमने 2-2 एयर फिल्टर दिए हुए हैं सेफ्टी की वजह से जी, जी। मेरे किसान भाई को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए जी। तो एक हमने ऑयल बाथ एयर फिल्टर दिया हुआ है, एक हमने यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा जो सूखा हुआ जो एयर फिल्टर होता है इसमें स्पंज फंसी हुई है तो वो दिया हुआ है। तो मेरे किसान भाई की जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं जिससे कि इंजन की लाइफ है वो लंबी रहे, क्योंकि ये धूल मिट्टी में चलते हैं। अब धूल मिट्टी में चलेंगे तो डस्ट है वो इंजन के अंदर ना जाए और वो रिंग पिस्टन पर जाके नहीं बैठे, जिससे कि जो है कोई प्रॉब्लम हमारे इंजन को आए। मैं आपने ये जो है गियर दोबारा दे रखा है जी? तो ये गियर 2 गियर है सर, किसान भाइयों की डिमांड होती है कि सर हमें गियर ड्राइव चाहिए, और किसान भाइयों की कुछ की डिमांड होती है विदाउट गियर ड्राइव, तो वो भी आपके पास में है जी? दोनों मिल जाएंगे, दोनों मॉडल मिल जाएंगे, किसान भाई बस अपना जो है डिमांड बताएं जी। तो इसमें इसके साथ में आप कौन सा इम्प्लीमेंट साथ में देने वाले हो? मेरे किसान भाई को 2 टाइप के रोटावेटर मिलने वाले हैं जी, और रिज्जर कल्टीवेटर लेवलर, इन तीनों अटैचमेंट में से किसान भाई कोई भी एक अटैचमेंट मेरी तरफ से फ्री ले सकता है। और एक इसके साथ में जाएगा जी? वो तो रोटावेटर मिलेगा ही मिलेंगे, 2 रोटावेटर मिलेंगे सर जी जी। और हमारे किसान भाई इससे ही मिट्टी चढ़ा सकता है, जो काम उससे कर सकता है वो इससे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसकी भी आपने क्या गारंटी वारंटी कर रखी है सर? 1 साल की गारंटी है। 1 साल की गारंटी है जी जी। और इसकी क्या प्राइस कर रहे हैं आपने? इसकी सर जो प्राइस है वो 35,000 रुपये है जी, और हमारे इसकी जो आगे मिट्टी फेंकने वाला है इसकी प्राइस है वो 38,000 रुपये है सर। 38,000 रुपये जी जी जी। तो इस पर कुछ छूट वूट चल रही है? नहीं सर अभी कोई ऑफर नहीं है, क्योंकि मेरे किसान भाइयों ऑफर था वो अभी हमारा जो है नए साल तक था, अभी वो ख़त्म हो चुका है, तो मेरे किसान भाइयों को अभी ऑफर नहीं मिल पाएगा। तो हमारे किसान भाइयों इन्हें कितने रुपए देकर बुक कर सकता है? मात्र 3,000 रुपये हमारे 5.5 HP के लिए बुकिंग के लिए देना होगा जी। और इसके लिए हमारे MT 260 जो मॉडल है ये जो आगे मिट्टी फेंकने वाला, इसकी बुकिंग के लिए 5,000 देना पड़ेगा मेरे 5,000 देना पड़ेगा जी। तो पुष्पेंद्र जी बात करते हैं, इसे हमारे किसान भाइयों कैसे खरीद सकता है, मोबाइल नंबर बताइए अपना। मेरे किसान भाइयों देखिए, हमारी कंपनी है नियर बाई कृषि उपज मंडी नदवई भरतपुर राजस्थान के अंदर, किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री। आप लोग यदि आना चाहते हैं तो बाई बस बाई ट्रेन आ सकते हो, और जो किसान भाई नहीं आ सकते उनके लिए मैं नंबर बोल देता हूँ। मेरा नाम है पुष्पेंद्र और मेरा एक छोटा भाई है राम अवतार, 9057986986। दोबारा से हिंदी में रिपीट कर देता हूँ, 9057986986। मेरा छोटा भाई राम अवतार का नंबर है 9602322986। हिंदी में बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ आपको, 9602322986। तो इन दोनों नंबरों पे आप कॉल करके, स्क्रीन पे भी ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पे आप कॉल करके आप पूरी जानकारी लेके आप बुकिंग करा सकते हो। मेरे किसान भाइयों आपको अपना आधार कार्ड और आपको 3,000 और 5,000 रुपये का आपको अमाउंट पे करना होगा पहले, जौन सी भी आपको मशीन लेनी है। बाकी का जो प्रोसेस रहेगा वो 7 से 8 दिन में आपके नज़दीकी ट्रांसपोर्ट तक डिलीवरी होगी, वो डिलीवरी चार्ज आपका फ्री रहेगा, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा।
जब वहाँ पे जब डिलीवरी लेने जाओगे आप मशीन को लेने जाओगे तो बकाया पेमेंट आपको जो हमारे पेमेंट जो है 5,000-3,000 जिस अकाउंट में डाला था उसी अकाउंट में मेरे किसान भाई को बकाया पेमेंट डालना होगा। तो पुष्पेंद्र जी अब बात करते हैं, हमारे किसान भाई ने ये बुक भी कर दिया और ले भी लिया, तो हमारे कुछ किसान भाई का सवाल आता है कि हम इसमें क्या का सावधानी रखें जो हमारे लंबे टाइम तक हमारा पावर टिलर चले। बस सर देखिए सावधानी ये है, सर्विसिंग वगैरह करें टाइम टू टाइम और साफ सफाई का ध्यान रखें, एयर क्लीनर वगैरह को आप साफ करते रहें समय समय पर। जी दोनों में यही काम करना। जी जी जी। तो किसान भाइयों आपको ये पावर टिलर कैसे लगे, आप इन पावर टिलर से अपने बागवानी की मक्का गेहूँ का कपास और गन्ना गन्ने में जो खरपतवार है उसे ख़त्म करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छे पावर टिलर होने वाले हैं। अगर आपको खरीदना हो तो स्क्रीन पर नंबर दे रखा उस पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, कॉल करने का कोई चार्ज नहीं है और ये मैडम जो इनका स्टाफ है वो कॉल उठाएगी और उनसे पूरी जानकारी लीजिए जब आप बुक कर सकते हैं। अगर किसान भाई आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी ऑल पर कीजिए। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। किसान भाइयों आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहती हैं।